हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पे। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हमारे यूजीसी नेट पेपर सेकंड एजुकेशन से हैं उन सभी के लिए आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों आज से हम पेपर फर्स्ट के साथ साथ आपको पेपर सेकंड एजुकेशन की भी कोचिंग देने वाले हैं। हम आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। आप हमारा न्यू चैनल निमीजी नेट एजुकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट एजुकेशन से हैं। उस चैनल पे दोस्तों हमारे साथ मैडम शशि सोनी जी आपको पढ़ाएंगी। उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कॉलेज में पढ़ा रही है काफ़ी सालों से और उनका नवंबर 2017 में नेट क्वालिफाई हो गया था। तो उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस है कॉलेज का और धीरे धीरे वो और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगी आपके साथ। तो जिस भी दोस्त को एजुकेशन सब्जेक्ट से तैयारी करनी है, जो दोस्त एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट या JRF क्वालिफाई करना चाहता है जून 2020 एग्ज़ाम में, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जो भी दोस्त जैसे अगर MA में भी पढ़ रहे हैं एजुकेशन या बैचलर डिग्री में पढ़ रहे हैं तो वो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आप सभी के लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अब हमारे साथ शशि सोनी जी आपको बताएंगे कि एजुकेशन में हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको बताएंगी। तो अभी हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों अब हम वो इंटरव्यू देखते हैं। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? जी सर, अच्छे हैं हम। आप बताइए, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ मैडम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजी नेट प्रो पे। और मैडम आज हम ये जानेंगे कि जो सेकंड पेपर है उसमें हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपके साथ मान लो आपने किस तरह से तैयारी की थी, और शुरुआत से बताना कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने कितनी तैयारी की थी, क्या है। अच्छा जी सर, मैंने MA के बाद तुरंत UGC नेट के फॉर्म फिल किए थे एंड मेरी सर सेल्फ स्टडी ही रही है। मैंने कोई कोचिंग भी नहीं की है जी। यस मैंने मैम, अपने पास सर खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जिनसे मैंने तैयारी की है, और मेरे पास जो बुक है मैं उनको भी बताऊंगी कि किस तरीके से उनका रिवीजन करना है, किस तरीके से उन बुकों को पढ़ना है। 10 यूनिट के अलग अलग टॉपिक वाइज सर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जिनसे मैंने अच्छे से तैयारी की थी। कोई कोचिंग नहीं की थी। और आपका फर्स्ट पेपर का सर वीडियो मैं पहले देखती रही हूँ, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू मैम इसके लिए। मैडम यहाँ पे जो सबसे पहला एक सवाल आता है ना, ये आता है कि एक जैसे स्टूडेंट कई मैंने ऐसे देखे वो ये कहते हैं कि मास्टर डिग्री में उन्होंने टॉप किया हुआ है, तो जी सर, क्या जिन्होंने मान लो मास्टर डिग्री में टॉप किया वो आसानी से नेट क्लियर कर सकते हैं? कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं ऐसे, वो कहते हैं सर मेरा तो हो जाए, मैं तो हर बार टॉप करते हुए आ रही हूँ या आ रहा हूँ। तो वो जो स्टडी होती है हमारी और अब जो नेट के अंदर जो स्टडी होती है, इनमें क्या डिफरेंस है इन चीजों के अंदर? सर जो मास्टर डिग्री में होता है उसमें हम लोग सर थ्योरी बेस पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कि थ्योरी बेस पढ़ने से हमारा नेट क्लियर हो सकता है। नेट के लिए सर बहुत डीपली पढ़ाई करनी पड़ती है, टॉपिक्स वाइज अलग अलग देखने पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है सर हमारा ओल्ड पेपर सॉल्व करना होता है, जो यस मैम, क्वेश्चन को सर किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो MA में होता है सर हम लोग डीपली पढ़ाई नहीं करते हैं सर, उतनी डीपली यस मैम, पढ़ाई सर जो हम MA में और MEd किया करते हैं, BEd करते हैं बहुत लोग। ये सारी डिग्रियां सर अलग होती हैं, लेकिन इस सबका नेट एक अलग ही वो रखता है। नेट का जो यस पेपर देते हैं सर देखने में वो हमको इजी लगता है, लेकिन जब उनको क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसमें जो जितने भी 4 आंसर होते हैं सर चारों ही सही होते हैं, चारों यस ही मैम, आंसर सर उनमें हमको ये देखना होता है कि कौन सा आंसर ज्यादा सही है। यस मैडम। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता मैडम कि जैसे आपने बताया कि ओल्ड पेपर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ये मैं भी मानता हूँ। तो अब बात ये आती है कि ओल्ड पेपर कहाँ से लेके कहाँ तक करें, कि हमें जो ओल्ड पेपर है वो कौन सी ईयर से लेके कब तक करने चाहिए? जी सर, मेरा हिसाब से मुझे मेरा मानना है कि सर हम लोगों को ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत चेंज हो गया है। जो पहले सिलेबस में क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते थे उस तरीके के क्वेश्चन अब UGC नहीं पूछता है। पहले क्वेश्चन का रूप छोटा था, 4 आंसर दिए जाते थे,
ठीक था। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ही लेंथी बना दिया है, जिसको पढ़ने में हमको कम से कम 1 मिनट लग जाता है, उसको क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कम 2010 से लेना चाहिए, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन 2010 से तो मिनिमम हम लोगों को सॉल्व करना ही चाहिए सर। यस मैम, और इसमें एक चीज मैंने भी ये नोटिस की है कि जो जैसे 2012 से पहले का जो पैटर्न होता था ना, वो बिल्कुल अलग होता था, और 12 के बाद जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, काफी हुआ है। और अभी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि कई स्टूडेंट के मन में ये सवाल है कि जैसे दिसंबर 2019 में दोबारा अपडेट हुआ है सिलेबस, तो वो जो सिलेबस है और 2012 से जो सिलेबस चलता हुआ आ रहा है, उसके अंदर कितना क्या कुछ बदलाव हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है या कितना क्या कुछ चेंज हुआ है उसके अंदर? नहीं, सर बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस हमारा वही है। उसमें दो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग से सर जोड़ दी गई हैं, जैसे कि इस बार जो 2019 में पेपर हुआ था अभी दिसंबर में, उसमें एक पैसेज लास्ट में दो पैसेज दिए हुए हैं अनसीन, जो कि अभी तक नहीं आते थे पैराग्राफ, ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है अभी यस 2000 आए हैं। दो पैराग्राफ सेकंड पेपर में सबसे लास्ट में दिए हुए हैं सर, जो अभी पहली बार ही आया है, ये जून 2020 में भी नहीं आए थे, तो बहुत ज्यादा तो नहीं। और जो फिलोसफी है उसमें भी कुछ पोर्शन जोड़ दिए गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था इसको भी जोड़ दिया गया है, जो सर पहले इसमें इसके टॉपिक कुछ नहीं थे। तो बहुत ज्यादा तो अलग से सर कुछ नहीं कहेंगे, फिलोसफी की जो चीजें पहले सर हम नहीं पढ़ते थे, वो एक आध टॉपिक ही सर जोड़े गए हैं, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। बकाया किताबें सर हमको वही पढ़नी है। यस मैडम, और अब वही एक और सवाल आता है कि जैसे आपने किताबें बताया, तो बुक्स पेपर सेकंड के लिए, आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए पेपर सेकंड के लिए स्पेशल बुक कौन सी पढ़े, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत अनगिनत बुक्स है, तो स्टूडेंट को, नए जो स्टूडेंट, उनको समझ में नहीं आ रहा। नए स्टूडेंट को के लिए तो सर एक देखो किताब वो मार्केट में उपलब्ध है, हरियंत की गाइड आ रही है, और तो सर मुझे नहीं लगता, मैंने पढ़ी है उसको, मुझे नहीं लगता कि सही है। लेकिन अलग अलग टॉपिक की ही मैं बात करूंगी कि हर टॉपिक के लिए हमको अलग से, जैसे फिलोसफी है तो फिलोसफी के लिए सर अलग से बुक आती है, केवीएस मदान की आती है, इसी में केवीएस मदान की नहीं आती, रमन बिहारी लाल की आती है, एल के ओड की आती है सर। इन किताबों को पढ़ के इसमें जो फिलोसफी दी हुई है काफी अच्छी तरीके से दी हुई है, और जो गाइड, एक गाइड मार्केट में उपलब्ध है जिसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं सर, उसमें उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, मैंने पढ़ा है सर, मैंने स्टडी की है उनको। यस मैडम, और अब एक और जैसे सवाल आता है हमारे सामने कि ओल्ड पेपर में से, जैसे हमारी पहले बात हुई थी शुरू में ही कि ओल्ड पेपर में से रिपीट होते, तो कितना कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कितने परसेंटेज हम मान के चलें? कितने परसेंटेज सर, 5 से 10%, 20% तो सर रिपीटेड क्वेश्चन होते ही होते हैं, रिपीटेड यस क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन तो सर कम मिलेंगे, 10% कह सकते हैं सर सेम क्वेश्चन, लेकिन उनको घुमा फिरा के क्वेश्चन वही होता है सर, लेकिन उसको घुमा के कर दिया जाता है, क्वेश्चन वही होता है। अगर हम उस क्वेश्चन को स्टूडेंट अच्छे से पढ़े तो पता चलता है कि क्वेश्चन वही है उसको, लेकिन दोबारा दूसरे ढंग से दे देते हैं, ये होता है सर, क्वेश्चन तो काफी रिपीटेड होते हैं सर। यस मैडम, और अब बात आती है मैडम, जैसे कि पेपर सेकंड के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और जो ज्यादा रिपीट होते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है? और इसी में मैं बुक भी ऐड करना चाहूंगा कि बुक में आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताइए कि बुक में कई बुक ऐसी होती है कि ये बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इस बुक के बगैर काम चलेगा नहीं, तो ऐसी कौन सी बुक है और ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है? जी सर, फिलोसफिकल एजुकेशन के लिए मैं एक रमन बिहारी लाल की बुक आती है जो काफी बेस्ट बुक है, अगर उससे आप फिलोसफी पढ़ेंगे तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको अदरवाइज कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलोसफी के लिए। और रिसर्च एजुकेशन की बात आती है तो उसमें भी कई पारसनाथ राव की आती है, एक रिसर्च एजुकेशन के लिए उसकी भी यस मैम, पारसनाथ आती है, एक मोहम्मद सुलेमान की आती है यस जी, उन मैडम, स्टडी कर सकते हैं। इन दोनों में से आप सर कोई भी बुक ले सकते हैं, इन बुकों में अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, रिसर्च बहुत अच्छे से समझाई गई है सर इसमें। यस मैडम, यही पे एक और सवाल उठता है हमारे सामने कि जैसे आपने रिसर्च का नाम लिया, पेपर सेकंड के अंदर रिसर्च आती है, तो जो पेपर फर्स्ट की रिसर्च होती है और पेपर सेकंड की जो रिसर्च है वो सेम है या थोड़ी अलग है, क्या सेम है? है,
उसमें सर कुछ अलग नहीं होता है, जो फर्स्ट पेपर में होती है वो सर थोड़ा कम पूछी जाती है, और इसमें होता है जो हमको थोड़ा डीपली जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जो उसके भाग होते हैं उनको भी और देखना पड़ता है, थोड़ा और ज्यादा डीपली जाना पड़ता है, और जो फर्स्ट पेपर की रिसर्च होती है उसमें थोड़ा कम होता है। इसीलिए हम एजुकेशन सब्जेक्ट वालों को सर बहुत टॉपिक ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पेपर के और एजुकेशन सब्जेक्ट के सेम ही टॉपिक है, हम लोगों के लिए बहुत इसका बेनिफिट रहता है सर, रिसर्च एक ही है। अगर हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से रिसर्च पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट पेपर में पढ़ने के लिए अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, वही रिसर्च हमारे उसमें काम आती है सर। यस मैडम। और इसके अलावा मैडम कि आप जैसे नए स्टूडेंट हैं, एक जैसे सवाल आता है, कई स्टूडेंट ये मेरे से कहते हैं कि सर अभी तो हमारी मास्टर डिग्री चल रही है, मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद में हम नेट का फॉर्म भरेंगे तब अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए आपकी क्या राय है कि क्या स्टूडेंट मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते ही उनको नेट की तैयारी करनी चाहिए या कब करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? जी सर, मास्टर डिग्री में अगर एडमिशन लेने के बाद हम लोग नेट के आधार पे पढ़ाई करते हैं सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारा मास्टर डिग्री करने के बाद तुरंत नेट क्लियर होता है तो ये हम लोग उस टाइम कॉलेज में भी होते हैं, जो चीजें नहीं हमारी क्लियर हो रही हैं सर हम टीचर से पूछ भी सकते हैं, और बुक्स सारी वही होती है सर, मैं आपको फिर से दोबारा यही कहूंगी, वही सारी बुक है, वही सारे टॉपिक है, बस ये है कि हम लोग एमए में सर उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, कि एमए में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट नेट की तैयारी कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल कर सकते हैं नेट की तैयारी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास लाइब्रेरी होती है, कॉलेज में जाके हम लोग लाइब्रेरी से सारी बुक भी पढ़ सकते हैं, और प्रोफेसर टीचर्स भी होते हैं उनसे भी कुछ चीजें क्लियर कर सकते हैं, कॉलेज यस टाइम मैम, होता है, टाइम भी होता है सर हम लोगों के पास पढ़ने का इतना कि उतना हम टाइम पढ़ाई को दे सकते हैं, स्टडी को, और अदरवाइज आगे तो थोड़ा टाइम भी कम हो जाता है पढ़ने के लिए इस तरीके से। यस मैडम। अब एक और सवाल आता है मैडम कि जैसे हमें जो तैयारी है, तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? कि मान लो कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं, देखे हैं हमने, कि जो एग्जाम के फॉर्म फिलअप होने शुरू होंगे ना, तब जाके वो स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आपके हिसाब से अगर आपके सब्जेक्ट में अगर नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ करना है, तो उसे कितना टाइम देना पड़ेगा कम से कम? कम से कम सर मैं 6 महीने के लिए सजेस्ट करूंगी कि कम से कम आपको 6 महीने डीप तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है और आप दिन में सर 4 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आपका नेट क्लियर हो सकता है, अदरवाइज जब फॉर्म फिल करने के बाद आप तैयारी करते हैं तो सर उतना टाइम भी नहीं मिलता है, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही हम लोगों को पढ़ने होते हैं, और फर्स्ट पेपर की भी सर ऐसा नहीं है हमारा सेकंड पेपर कितना भी मजबूत हो लेकिन अगर फर्स्ट पेपर हमारा अच्छा नहीं है तो सर सेकंड पेपर से भी कुछ नहीं हो सकता, नेट क्लियर नहीं हो सकता ओनली सेकंड पेपर से सर, फर्स्ट पेपर के लिए भी हम लोगों को उतना ही वो देना पड़ेगा जितना सेकंड पेपर के लिए देना पड़ता है। यस मैडम। और एक और यहीं पे एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे 6 महीने आपने बता दिया, तो 6 महीने के दौरान जैसे डेली हम एटलीस्ट कितना टाइम दे कि जिससे सुफिशियंट हो? मिनिमम सर 4 से 5 घंटा इतना तो देना ही चाहिए, मैक्सिमम सर अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, मिनिमम 4-5 घंटे सर आपको पर डे हिसाब से देने पड़ेंगे, मुझे लगता है सर इतने में आपका नेट क्लियर हो जाएगा अगर आप ईमानदारी के साथ इतनी पढ़ाई करते हैं सर, ऐसा नहीं है 4-5 घंटे हम लेके बैठे हैं और फोन देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो सर इससे कुछ नहीं होने वाला। यस मैडम, ठीक है मैडम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसके अलावा कोई और बात आप स्टूडेंट को कहना चाहते हैं उनकी तैयारी से रिलेटेड, तो आप बताइए, कुछ सजेशन देना चाहते हो आप? जी सर बिल्कुल, कि आप किसी का भी YouTube चैनल पे सर इतने एजुकेशन सेंटर आज टाइम पे खुले हुए हैं सर, आप किसी का भी जैसे ज्वाइन करते हैं तो हर स्टूडेंट को मैं यही कहूंगी कि उनके पढ़ने के बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाइए सर, जो उनसे खुद के नोट्स बना के पढ़ने के बाद देखने के बाद सर जो हम खुद के नोट्स बनाएंगे उनसे सेल्फ स्टडी होती है, और सबसे ज्यादा रिवीजन करिए और ओल्ड पेपर सॉल्व करिए जिनसे हमारा सबसे अच्छा टॉपिक क्लियर होता है, क्योंकि टॉपिक तो सर हम पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ उनकी डीपली स्टडी हमारी तभी होती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बहुत ही अच्छी खुशखबरी बता दूं कि अब हमारे साथ मैडम पढ़ाएगी आपको सेकंड पेपर। एजुकेशन में आपको पूरी जानकारी मिलेगी किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा
कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है एजुकेशन सब्जेक्ट में तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। और इनका जो चैनल है निमेजी नेट एजुकेशन, वो आप जरूर सब्सक्राइब करना, उस पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एजुकेशन एजुकेशन से रिलेटेड। और फिर मैं वही कहूंगा कि अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप मैडम से पूछ सकते हैं, और इसके लिए आप जो चैनल है ना वो जरूर सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है वो जरूर दबाना, क्योंकि वो जब दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जितनी भी एजुकेशन की वीडियो डालेगी मैडम वो रेगुलरली आपको अपडेट मिलता रहेगा वहां पे, और प्लस में जो भी स्टडी नोट्स होंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे वहां पे। बस इतना ही दोस्तों, और मैडम जाते जाते आप भी कुछ बताइए अपने चैनल के बारे में, आप किस तरह से पढ़ाएगी, क्या करेंगे उस पर। जी सर, मैं इस तरीके सर मैं पहले तो सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगी, इसके बाद सर मैं मंथली सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर भी दूंगी। जो टॉपिक सर क्लियर करवाएंगे पढ़ाएंगे हफ्ते में, हर हफ्ते सर मैं टेस्ट पेपर लूंगी, और सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट ये भी सर प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी सर शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी करने में, पर धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। यस मैम, थैंक यू मैम, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एजुकेशन सब्जेक्ट से जितने भी स्टूडेंट हैं वो मैडम का सहयोग देंगे, इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर मैं मैडम एक बोल। बात बोलना चाहूंगी सारे व्यूअर को जो देख रहे हैं निमी जी सर को, निमी जी सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं चैनल पे सर। आज जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग तरह से पढ़ रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं निमी सर के साथ काम करूंगी, और फर्स्ट पेपर के मैं मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि निमी सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट पेपर निमी सर कवर करवाएंगे और एजुकेशन जो सब्जेक्ट मेरा है मैं उसको पूरा कवर करवाऊंगी। इससे ये होगा कि हम दोनों लोगों पे भार भी कम होगा और स्टूडेंटों की काफी अच्छे से तैयारी हो पाएगी सर। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।